हेलो दोस्तों, वेलकम टू महेश ट्यूब। महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है एंड मैं आपको आज एक छोटी सी कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। पॉलिटी लेक्चर में सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल जो होते हैं उनमें से किन किन की कैटेगरी किस किस शेड्यूल में आती है, ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप उस ट्रिक को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सेकेंड शेड्यूल में कौन आते हैं, थर्ड शेड्यूल में कौन आते हैं। तो आज मैं वही आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं आपको और भी बताऊंगा कभी कि इन शेड्यूल्स को कैसे याद करते हैं, उनकी भी ट्रिक बताऊंगा। बट आज मेनली मैं सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन आते हैं, कौन सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, कौन थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक। ट्रिक टू रिमेंबर सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में क्या आते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए, मैं इसमें 9 लोग होते हैं, 9 में से मैं ब्रेक करके 7 में कन्वर्ट कर दिया हूँ ताकि आपको इजी हो, ठीक। प्रेसिडेंट आते हैं, वो गवर्नर आते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप होंगे, ये आपको क्लियर है, बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। गवर्नर ये स्टेट के होते हैं। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आ गए। मैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको अलग अलग लिखूँ या एक साथ लिख दूँ, मैं एक साथ लिख के आपको समझा दिया हूँ कि ये लोकसभा मतलब इंडिया लेवल के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक। इसी टाइप से चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ये स्टेट की लेवल की होती है, ये राज्यसभा तो आप जानते हैं कि इंडिया लेवल पर होता है। ये तीन सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपको याद रखना है, मैं इनको 9 में से इनको 7 पार्ट में ब्रेक कर दिया हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना। आगे बढ़ते हैं तो तीसरे शेड्यूल में देखते हैं कि तीसरे शेड्यूल में कौन कौन आते हैं, फिर कंपैरिजन भी करवाऊंगा मैं। तीसरे शेड्यूल में देखिए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एंड CAG, ये तो दोनों में आते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, CAG, ये दूसरे शेड्यूल में भी आते हैं एंड तीसरे शेड्यूल में भी आते हैं, ठीक, इतना आपको क्लियर है। देखिए, यूनियन एंड स्टेट के मिनिस्टर, मैं दो दो को कंबाइन कर दिया हूँ, तो यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर आते हैं दोनों। MP MLA, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP इंडिया लेवल पर होते हैं पार्लियामेंट पर, और ये MLA जो है स्टेट लेवल पर होते हैं, मतलब स्टेट एंड पार्लियामेंट मतलब इंडिया लेवल पर जो भी हैं उनको मैं मिक्स कर दिया हूँ। तो यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर आपको इकट्ठा याद रखना है, इसमें दो कंबाइन हो गए। MP MLA, ये भी दो कंबाइन हो गए हैं। इलेक्शन कैंडिडेट फॉर द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट होते हैं एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कैंडिडेट होते हैं, इसमें भी मैं दो दो को मिक्स कर दिया हूँ, मतलब दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, ये 6 हो गए, राइट। और ये तीन जो है ये दोनों में कॉमन है, मतलब किस में कॉमन है, सेकेंड शेड्यूल एंड तीसरे शेड्यूल, इन दोनों में कॉमन है। तो 6 3 9, ये 9 इसमें हो गए और सेम इसमें भी हो गए, सेकेंड शेड्यूल में भी, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ कि सेकेंड शेड्यूल में आता क्या क्या है, मतलब हम सेकेंड शेड्यूल में क्या पढ़ते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल में ये पढ़ते हैं कि जो प्रोविज़न रिलेटिंग टू इमोलूमेंट्स, अलाउेंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन, मतलब ये चीज़ें आती हैं कि इमोलूमेंट्स क्या होता है, उनका अलाउेंसेस, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब होते हैं, इनको क्या अलाउेंसेस मिलते हैं, क्या इनको हिंदी में भत्ते बोलते हैं, या क्या इनको खर्चे वर्चे मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, ये सब चीज़ें मतलब ये देखा जाता है, राइट। और तीसरे शेड्यूल में क्या होता है, तीसरे शेड्यूल में इनका ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब कि ये जो शपथ लेते हैं वो तीसरे शेड्यूल में देखा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप कि ये ट्रिक आपको काम करेगी, मैं बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया हूँ। मेरा नाम महेश सोनी है, आप ये टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं महेश ट्यूब के नाम से, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है महेश ट्यूब, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करें, राइट, शेयर करें, थैंक यू।